अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ग्लैमरस ब्यूटी सैलून। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ मूंग दाल के साथ एक ऐसा फेशियल क्लिंजर बताने जा रही हूँ जिसको मैं अपने फेस पे इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में आपको पता ही है कि हमारा कलर कितना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के साथ कलर एक तो डल हो जाता है, दूसरा स्किन के ऊपर सन टैन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, टैनिंग हो जाती है, कलर भी बहुत ही ज़्यादा डल ब्लैक हो जाता है। तो उसके लिए ये वाला क्लिंजर बहुत ही बेस्ट काम करता है, क्योंकि मूंग दाल में इतनी ज़्यादा कोई प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वाइटनिंग ब्राइटनिंग, तो इसका इस्तेमाल आपकी स्किन के कलर को बहुत ही फास्टली फेयर करता है, ब्राइट करता है। इसको सबसे पहले आपने भिगो के रखना है, उसके बाद आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद कुछ इस फॉर्म में आपके पास ये आ जाएगी, इस फॉर्म में आपके पास मूंग दाल आ जाएगी। अब इसका सबसे पहले क्लिंजर तैयार करेंगे जो कि हमारे स्किन की टैनिंग को रिमूव करेगा, हमारे स्किन को ब्राइट करेगा, स्किन के कलर कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ग्राम फ्लोर लेना होगा। यहाँ पे ग्राम फ्लोर बेसन तकरीबन एक चम्मच भर के मैं यहाँ पे लूँगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्लिंजर बनाने वाले हैं जो कि वाइटनिंग है, इसलिए सबसे पहले ग्राम फ्लोर लेंगे। इसके बाद इसमें कार्ड डालेंगे यानी कि दही डालेंगे। दही का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि मुझे जो है ब्लीचिंग रिजल्ट चाहिए, तो इसलिए इसमें दही जो है ब्लीचिंग का काम करेगी। अभी जो है इसमें मूंग दाल का पेस्ट डाल देंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून छोटे वाले हैं तो इसमें 3 डालेंगे। और इसको जो है आपने स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। आप इसके जब फेस पे एप्लीकेशन करेंगे तो पहले आपने इसको 15 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, फिर आपने इसका हल्के से मसाज करना है। और मसाज जब आप इसको करेंगे तो आपकी स्किन के जितना भी डेड सेल्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे, आपकी स्किन की टैनिंग रिमूव होगी, आपकी स्किन जो कलर डल हो चुका है उसको ब्राइट करेगी, आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करेगी। क्योंकि इससे बेस्ट एक्सफोलिएट कोई भी शायद नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मूंग दाल के छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए हैं जो कि आपके फेस पे एज अ स्क्रबिंग का काम भी करेंगे और एज अ क्लिंजर का काम भी करेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट बाद इसको अच्छे से मसाज करके मैंने इसको वॉश कर लिया है, आप रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। स्किन बहुत ही ज़्यादा शाइनी सी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। इसके बाद एक ऐसा मास्क तैयार करेंगे जो गर्मियों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। इसके लिए सबसे पहले आपने लेमन लेना है, वो मैंने साथ रख लिया है। इसके बाद आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है, यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी मैंने ली है। इसके बाद आपने लेमन जूस इसमें ऐड कर देना है तकरीबन 1 चम्मच भर के, और ये जो है आपके ओपन पोर्स के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें लेमन जूस भी ऐड कर दिया है, आपकी ऑयली स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। अब इसमें जो है मूंग दाल का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। मूंग दाल के पार्टिकल जो है थोड़े से बड़े हो मतलब रह गए हैं, आपने इसको अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। तो इसके बाद ये वाला पेस्ट जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसको जो है आपने अपने फुल फेस पे एप्लीकेशन लगा लेनी है तकरीबन 15 मिनट के लिए, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी है तो वो ड्राई हो जाएगी। तो फिर आपने इसको वॉश कर लेना है, वॉश करने के बाद आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कोई रिजल्ट मिले हैं, रिजल्ट्स मैं आप लोगों को लाइव दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को इस बात का यकीन हो सके कि रेमेडी के रिजल्ट्स कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। इसके बाद जो है मैंने घर पे कॉफ़ी क्रीम बनाई हुई है जिसको मैं गर्मियों में इस्तेमाल करती हूँ, अपने स्किन के भी मतलब बॉडी पे भी इस्तेमाल करती हूँ, अपने फेस पे भी इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, फेस के लिए तो ये ज़्यादा बेस्ट है। ये थी आज की रेमेडी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, समर के लिए बेस्ट स्किन केयर है ये वाली, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है समर में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।